जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार MJ क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है, विषय केमिस्ट्री। आज हम लोग इसका तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वैद्युत रसायन। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इसको बिल्कुल शुद्ध भाषा में इसका नोट्स तैयार किया जाएगा ताकि आपको आगामी एग्ज़ाम में कोई भी समस्याएँ न आए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वैद्युत रसायन में जो पहला आपका टॉपिक होगा वो होगा हेडिंग धात्विक अथवा इलेक्ट्रॉनिक चालक। आप सभी जानते हैं कि धातु क्या होती हैं। धातुएं की विशेषताएं ये होती है कि उनमें करंट पास होता है, ठीक है, और वो विद्युत के चालक होते हैं। तो वैसे ही धात्विक अथवा इलेक्ट्रॉनिक चालक में हम लोग क्या लिखेंगे कि सभी धातुएं विद्युत धारा की चालक होती हैं। विद्युत चालकन के अनुसार इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। धातुओं के अतिरिक्त मिश्र धातुएं भी इसी प्रकार चालक हैं, यानी धातु तो होते हैं, जितने भी होते हैं सबके सब क्या होते हैं, वे आपका विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी चालक होते हैं। लेकिन उनके अलावा भी मिश्र धातुएं भी आपकी ये प्रॉपर्टी रखती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इन चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। अब जो करंट फ्लो हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। कुछ अधातुएं भी इस प्रकार की चालकता को प्रदर्शित करती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, ग्रेफाइट। हमको पता है कि देखिए अधातुएं जो होते हैं वो करंट को पास नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद होता है जो कि अधातु होते हुए भी विद्युत को प्रवाहित करता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना हेडिंग लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, तो इसके बाद आप हेडिंग लिखिएगा धात्विक चालकों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो चालकता जिसमें करंट पास हो रहा है उनको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकते हैं, दैट मीन्स उसको बढ़ा सकती हैं, उसको कम कर सकती हैं, तो क्या क्या चीज़ें के ऊपर वो डिपेंड होता है। तो पहला पॉइंट है धातु में प्रति परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो धातु है उनमें जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होते हैं ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा, धातु का घनत्व यानी उनकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि धातु कितना घना है और वो कितना उसके बीच में खाली स्थान है, ठीक है। तीसरा है धातु की संरचना, कि धातु का आकार कैसा है, क्या ये धातु के उसके जो मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास हैं या डिस्टेंस पे थोड़े से हैं, तो इन सभी बातों पे डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इतने चीज़ों को लिखने के बाद आपको और आगे देखते हैं ये क्या लिखना रहेगा आपको। अब उसके बाद सेकेंड आपका हेडिंग लिखेंगे वैद्युत अपघटनीय चालक। वैद्युत अपघटनीय चालक, जैसे कि हमने धात्विक चालक में आपको बताया कि ये क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी करंट को फ्लो करते हैं, लेकिन वैद्युत अपघटनीय चालक में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जब तक वो पिघला हुआ नहीं रहेगा यानी पिघली अवस्था में नहीं रहेगी उसमें से करंट पास नहीं होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो लिखेंगे वे पदार्थ जो संगलित यानी पिघला हुआ अवस्था तथा जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं विद्युत अपघटनीय चालक कहलाते हैं। ये पदार्थ आयनिक यौगिक होते हैं, इनमें विद्युत का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। इन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह तब भी संभव होता है जब आयन गति करने के लिए स्वतंत्र हो, अतः ये पदार्थ उस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इन पदार्थों का वैद्युत अपघट्य कहा जाता है, ठीक है। देखिए, जब जैसे अगर मुझे एग्जांपल लेना होगा तो मैं एग्जांपल आपको दूंगा, सबसे अच्छा एग्जांपल है NaCl का, यानी सोडियम क्लोराइड नमक, आपने देखा होगा। जब नमक जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन अगर उसको आयंस के फॉर्म में यानी कि उसमें पानी डाल दिया जाए और फिर उसमें से करंट को फ्लो कराया जाए तो उसमें करंट क्या होता है, बहता है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। बातें क्लियर हो गई।
तो चलिए अगला हेडिंग रहेगा दोनों के बीच में अंतर, यानी धात्विक व वैद्युत अपघटनी चालक में क्या क्या अंतर होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ लिखना है धात्विक चालक, दूसरी तरफ लिखना है वैद्युत अपघटनी चालक। तो इसमें पहला पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट है विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। ये बात तो अभी हमने पढ़ा था कि आपका इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रभाव होता है, लेकिन अभी वैद्युत वाले में हमने क्या सिखाया था कि ये क्या होता है, आयन्स की वजह से होते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि वैद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, ठीक है। तो चलिए आगे इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, इन चालकों में विद्युत प्रवाह कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं करता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि धात्विक में आपका कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही इसका सेकेंड पॉइंट देखेंगे तो इन चालकों में वैद्युत प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होता है, अर्थात इनका अपघट्य हो जाता है, ये टूट जाते हैं, ठीक है। चलिए इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं, ये चालक ठोस अथवा द्रव अवस्था दोनों में ही विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन हमने भी आपको बताया था कि आपका जो आयनिक होता है वो ठोस अवस्था में नहीं करता। देखिए वही लिखा है कि ये चालक ठोस अवस्था में चालन नहीं करते, परंतु पिघली और जली विलयन में वैद्युत का चालन करते हैं। तो इसके बाद हम लोग का जो चौथा पॉइंट है उसको देखते हैं, ताप बढ़ाने से इन चालकों की चालकता घटती है, ठीक है। ताप बढ़ाने से इन चालकों की चालकता घटती है, आप इसमें क्या लिखेंगे, ताप बढ़ाने पर इन चालकों की चालकता बढ़ती है। तो ये सारी बातें, चार डिफरेंस मैंने आपको यहाँ बता दिया, तो इन चारों डिफरेंस को अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो अगली हेडिंग हमारे रहेगी विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण, यानी जितने विद्युत अपघट्य हैं उनको भी बांटा गया है। अब कितने प्रकार के बांटा गया है, कैसे कैसे बांटे गए हैं, तो आइए उनको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सभी विद्युत अपघट्य समान मात्रा में वियोजित नहीं होते हैं, बात तो सही है। कोई कंपाउंड ज़्यादा वियोजित होगा यानी टूटेगा, कोई कम में वियोजित हो जाएगा। अतः वियोजन यानी आयन की मात्रा के आधार पर इन्हें दो भागों में वर्गीकृत यानी बांटा गया है, ठीक है। तो पहले की बात करते हैं हम लोग, तो पहला पॉइंट क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य। इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, देखिए, वे पदार्थ जिनका जली विलयन में वियोजन की मात्रा अधिक होती है प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड्स, यानी ऐसे कोई भी पदार्थ जो कि जल में डालने पर, ठीक है, जल में डालने पर तुरंत ही टूट जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। जैसे एग्जांपल में HCl, आपने पढ़ा होगा कि सर ये प्रबल अम्ल होता है, और जैसे इसको पानी में डालते हैं ये क्या होता है, HCl में H+ और Cl- के फॉर्म में तुरंत ब्रेक हो जाता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सर ये क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। उसी प्रकार से NaOH भी हो जाता है तुरंत, क्योंकि ये प्रबल क्षार होता है, लेकिन ये सब क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जली विलयन में इन्हें लगभग पूर्णतः वियोजित या पूर्णतः आयनिक माना जाता है। ये बात याद रखिएगा कि ये पूर्णतः वियोजित या फिर पूर्णतः आयनित माना जाता है। तो अब चलिए इसके दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट, दुर्बल विद्युत अपघट्य। वे पदार्थ जिनके आयन की मात्रा कम होती है दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्यों के समान ये जली विलयन में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल में दुर्बल अम्ल का ले लेंगे, दुर्बल क्षार को ले लेंगे, जैसे CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, ये क्या होता है, बहुत दुर्बल अम्ल होता है, यह जल में जल्दी घुलता नहीं है। जब जल्दी घुलेगा नहीं तो इसे हम क्या बोलेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य। उसी प्रकार से NH4OH, ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है। तो चलिए अब अगली हेडिंग को हम लोग देखते हैं। तो अगली हेडिंग है विद्युत अपघट्यों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी विद्युत अपघट्य जो होता है उनको कौन कौन से चीज है जो उनको उनकी वजह से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट सीखने वाले हैं, अंतर आयनिक आकर्षण।
अंतर आयनिक आकर्षण। तो इसमें लिखिएगा, जिन पदार्थों में आयनों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है तो विलायक के अणु उस आकर्षण बल को पूर्ण रूप से निरस्त नहीं कर पाते हैं, परिणाम स्वरूप पदार्थ का वियोजन कम होता है। ठीक है, पदार्थ में आयन जिस आकर्षण बल से बंधे रहते हैं वह उस पदार्थ की जालक ऊर्जा कहलाती है। आयन विलायक अंतःक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को विलायकीकरण तरल ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था। इसके बाद हम लोग आगे क्या लिखेंगे इसके दूसरे पॉइंट को, तो चलिए इसके दूसरे पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट हेडिंग रहेगा आयनों का विलयीकरण। इसमें क्या लिखेंगे, यदि आयनों और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण अर्थात आयन विलायक अंतःक्रिया प्रबल हो तो आयन सरलता से विलयकृत हो जाता है, जिससे इसकी चालकता घट जाती है। ठीक है, और इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है विलयन की श्यानता। यदि विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण अधिक होता है तो उनकी चालकता घट जाती है। तो इस तरीके से हमने तीन बातों को सीखा। तो चलिए इसके हम लोग चौथे पॉइंट को देखते हैं। आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिएगा सभी लोग। तो चौथा पॉइंट क्या है, विलयन की सांद्रता। यदि विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता अधिक होती है तो उनकी वियोजन की मात्रा कम होती है, अतः उसकी चालकता कम होती है। और यदि विलयन को तनु करने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है तो विलयन की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो और इसका ये आखिरी पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, वो है क्या, ताप। तो लिखिएगा, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा बढ़ती है, अतः ताप बढ़ाने पर विलयन की चालकता क्या होगी, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। तो अब इसके बाद हम लोग का जो अगला हेडिंग है, अब हम लोग उस पर ध्यान देंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, विद्युत अपघट्य की क्रिया विधि। तो उसको समझने के लिए हमको ये जो डायग्राम है इसको बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, एक फ्लास्क है, फ्लास्क में कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। देखिए क्या है, विद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक है, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, एक कैथोड है, एक एनोड की तरह काम करेगा। आपको पता है कि जब दो कैथोड को एक ही फ्लास्क में रखते हैं तो जो एनोड होता है वो पॉजिटिव और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव, लेकिन अगर अलग अलग फ्लास्क में रखेंगे तो बिल्कुल उल्टा होता है। कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव, और एनोड क्या होगा, नेगेटिव हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और इनको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है और आपको अच्छा खासा नंबर दे के जाता है। ये आपको तीन नंबर में क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो एनोड है, एनोड पे क्या है, प्लस है, और कैथोड पे क्या है, माइनस। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। तो लिखना कैसे वो समझते हैं कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रमों में वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये बात याद रखिएगा कि इसमें हम लोग वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, अर्थात रासायनिक क्रियाओं को विद्युत ऊर्जा के व्यय से संपन्न होती है। ठीक है, वैद्युत अपघट्य की प्रक्रिया जिस पात्र में संपन्न की जाती है उसे वैद्युत अपघटनीय सेल या वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी ये जो हमारा ऊपर जो सिस्टम है वो क्या है, वैद्युत अपघटनीय सेल है। ठीक है, इस सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः अपरिवर्तित प्रकृति की होती है, जिसे वैद्युत ऊर्जा से संपन्न कराया जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आगे लिखिएगा, उपयुक्त सेल में विद्युत अपघट्य की जली विलयन लिया जाता है, जिससे धातु की दो छड़े जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं डूबी हुई होती है। जब जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया कि एक प्लस एक माइनस है, उसी की बात कर रहा है। इन्हें बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ देते हैं। बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को एनोड व ऋण टर्मिनल से जुड़े व ऋण टर्मिनल से जुड़े को कैथोड कहते हैं।
माना कि हम इसमें HCl का विलयन लेते हैं, तो HCl का जब विलयन लेंगे तो हमको पता है कि सर जैसे ही हम HCl डालेंगे ये क्या होगा, H प्लस और Cl में ब्रेक हो जाता है। हमको पता है कि ये क्या है, बहुत प्रबल अम्ल है, तो ये अम्ल क्या होता है, जल में तुरंत टूट जाता है। इसलिए हम लोग ने क्या किया, HCl का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो देखिए H प्लस आयन कैथोड की ओर और Cl माइनस आयन एनोड की ओर गति करने लगते हैं। क्यों गति करते हैं, क्योंकि सर पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता है और नेगेटिव वाला क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव की तरफ। इसलिए एनोड क्या है, आपको पता है पॉजिटिव है, और कैथोड क्या, नेगेटिव, तो हाइड्रोजन प्लस आयन है तो वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ। और क्लोरीन कैसा है, माइनस का आयन है ना, तो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाले की तरफ। ठीक है, तो कैथोड पर अपचयन और एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। हमको पता है कि सर आपका ऑक्सीकरण कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, मतलब ये ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये किसका हो रहा है, क्लोरीन का। क्लोरीन किस पे हो रहा है, एनोड पे। इसलिए क्या होगा, एनोड पे आपका ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, और कैथोड पे क्या हो जाएगा, आपका अपचयन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक, चलिए आगे लिखिएगा। कैथोड से H2 और एनोड से Cl2 गैस के रूप में मुक्त होती है, तथा विद्युत अपघट्य की विलयन उदासीन ही बना रहता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि अगर हम लोग NaCl को लेते हैं, किसके प्रेजेंट में, Pt यानी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाकर प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर निम्न अभिक्रियाएँ होंगी, और वो क्या होगा, NaCl जो होगा वो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस गलित NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Na प्लस कैथोड पर और Cl माइनस कहाँ हो जाएगा, एनोड की ओर गति करने लगते हैं, और कैथोड पे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये अपचयन का काम करेगा, और जो क्लोरीन हो जाएगा वो ऑक्सीकरण का काम होगा। ये दोनों प्रक्रम विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो दोस्तों ये केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर का पहला पार्ट है, और बाकी पार्ट्स मैं अभी बनाऊंगा। तो अपना कंप्लीट नोट्स तैयार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके ऊपर मैं जैसे ही अपना नोट्स आपको भेजूंगा तुरंत आपके ऊपर आएगा, आप उसको अपना तुरंत ही क्या करेंगे, देख करके अपना नोट्स आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपना कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ भी सजेशन दे सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।